शामली से हैं मुमतेज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात कराना। बात हो रही है शामली वालों, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद, स्वागतम, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी मुझे शादी को 10-12 साल हो गए। हाँ। और कोई संतान नहीं है, इसके बारे में पूछना था, कोई नुक्सा बताओ। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ बताया? आपको प्रॉब्लम है या आपके पति को प्रॉब्लम? तो पहले मेरे रसोड़ी बनी थी, जैसे गंदे पानी की बन जाए ना गांसी। अच्छा। हाँ जी, और उसका ऑपरेशन हो रहा था दूरबीन से। ठीक है। और जी उसके बाद कुछ भी आराम नहीं है, वैसे नॉर्मल है रिपोर्ट। आप कोई नुक्सा? ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है, लिख लीजिए आप, देखिए गलती मत करना। एक आता है चिलगोजे का गोंद, गोंद गोंद मतलब गम, चिलगोजे का गोंद आता है वो ले लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम, और रात के समय खाने के बाद आधा ग्राम समझ लेना कितना होता है, ये बहुत तेज़ होता है। चिलगोजा का गोंद आधा ग्राम आप खाएं, और आधा ग्राम अगर आपके पति मान जाएं तो उनको भी खिलाएं। अगर जिसमें भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ये दुरुस्त करता है। बच्चे होने की सलाहियत पैदा होती है। औरत के जो एग्स कहते हैं अंडे, वो किसी के कमज़ोर होते हैं, मतलब बुलबुले की तरह बने और फूट गए, बने और फूट गए। बच्चा कबूल करने की सलाहियत को पैदा होती है, और मनी जो वीरिया होता है मर्द का, वो उसके कीटाणु कमज़ोर होते हैं, वो उस जगह तक जाते जाते मर जाते हैं, तो उनको मजबूत करता है। उनकी क्वांटिटी कम हो तो उसको बढ़ाता है। ये आप दोनों की करें, लेकिन आधा ग्राम से ज़्यादा न खाएं, और रोज़ खाएं, और एक बार खाएं बस, और फिर 3-4 महीने में आपको साहिब उम्मीद आप हो सकते हैं। कॉलर है गीता जी एमपी से, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते मैडम। जी नमस्कार गीता जी। हाँ जी सर, मेरी ना 2 प्रॉब्लम्स है। एक मेरा बेटा है 30 साल का और उनकी बेटी है 5 साल की, दोनों जब सोते हैं तो सुबह बिस्तर पे ना उनकी लार गिरती रहती है। हाँ, और ना मैं झाइयों के लिए अलसी और गोन मोरिंगा ले रही हूँ, तो एक टाइम लेना चाहिए कि 2 टाइम लेना चाहिए? ठीक है। हाँ बस यही पूछना है मेरे को। हाँ, एक टाइम भी ले सकते हैं और 2 टाइम भी ले सकते हैं। 2 टाइम ले तो आधा आधा ग्राम ले, 1 टाइम ले तो 1 ग्राम पूरा ले ले, और एक कैल्शियम की टेबलेट मेडिकल स्टोर से हर हफ्ते 1 बार ज़रूर खाएं, और 2-3 महीने आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है। अब जिनके राल गिरती है, देखिए उनका पेट मुतासिर रहता है, उनको ये चाहिए कि 25% खाना कम कर दें, ठीक है, और अब उनके खाने के बाद 1 चम्मच धनिया खिला दिया करें दोनों को, और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो या कम हो और आप परेशान हो रहे हो, फ़ोन नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, तो नमक जैतून की 1 चुटकी, बेटा जो बड़ा है उसको 1 चुटकी में मिलाकर, धनिया में मिलाकर दें, और जो वो बच्चा है उसको आधी चुटकी यानी उससे आधी धनिया के आधे चम्मच में मिलाकर दें, तो दोनों को फायदा होना मुमकिन है। एमपी से ही नेक्स्ट कॉलर है सरिता जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आपसे मेरे को 2-3 सवाल है सर। जी। तो ये आप नमक जैसे बताते हैं, मेरे बेटे की उम्र है 21 साल, उसको गैस की प्रॉब्लम है, तो क्या दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। 1 चम्मच
धनिया पाउडर के साथ एक हाँ, चुटकी, धनिया पाउडर। हाँ एक चुटकी जैतून का नमक दिन में एक बार या दो बार देना उसके लिए बहुत बेहतर है। और कोई सवाल जी? और सवाल है कोई? हाँ सर, और सर ये उसको बाल भी सफेद हो रहे हैं उसके सामने का गंजापन बढ़ रहा है 20 साल की उम्र में। ठीक है, अगर उनके बालों की प्रॉब्लम है तो बाद में इलाज करना, जब उसकी एसिडिटी का रोग ठीक हो जाए। तो उसके लिए रोजाना 1 ग्राम, रोजाना 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली, 1 गिलास पानी में, दूध में या नारियल पानी में, जैसी भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से दे सकते हैं। काफी दिन देने से उनको फायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, हेलो। हाँ हेलो क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम शकुंतला है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली से बात कर रही हूँ। जी शकुंतला जी, सवाल कर लीजिए। जी शकुंतला जी। जी, मेरे मतलब पैरों में बहुत जलन पड़ती है और मुझे शुगर भी है। आपकी उम्र कितनी है? बत्तीस साल देखिए, आपको शुगर ने आ घेरा जी। और बहुत जल्दी शुगर हो गई। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ 40 के बाद होती है, लेकिन अब इसकी कोई उम्र नहीं रही। अच्छा देखिए, जो पैरों में जलन है और शुगर है, इन दोनों के लिए एक नुस्खा दवा आप अपनी लेते रहें। तो या तो आप लीजिए जामुन का गोंद, आधा आधा ग्राम दिन में दो बार खाने से आधा घंटा पहले, या लीजिए असली जैतून का सिरका 2-3 चम्मच दिन में दो बार, ये खाने के बाद लेना होता है। इससे आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, यूपी से हैं शाहिस्ता, स्वागत है आपका। जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए, समय बहुत कम है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वाले सलाम। बताइए। मैम मेरे दो तीन सवाल थे। एक सवाल तो कि ना बेटे के लिए खांसी और बलगम हो गया था, उससे बहुत तकलीफ। वो सामान मंगवाया था सतीसाना उन्ना, तो इनके बीज निकाल कर ये पाउडर बनाना है। दूसरा मैम कि ये जैतून का सिरका जो है, मैं अपने हस्बैंड को सुना है, बस ब्लड प्रेशर हाई रहता है वगैरह, और ये थकान पर इधर उधर काम, बिजनेस का काम बहुत है, तो ये मैं हमने स्वस्थ हैं तो ये दे सकती हूँ क्या जैतून का सिरका? बेचारा जरूर दे सकते हैं। ये है कि 23-25 साल का बेटा है मेरा, वो तो सब सर सुबह से लेकर कंप्यूटर ऐसे ही बैठा है, लैपटॉप का और बहुत कमजोर है सर, ठीक है ठीक है ठीक 8 किलो वजन है। जी 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 हकीम साहब, समझते सपिस्तान उन्नाव वाला, उन्नाव में से गुठली निकाल दें, बाकी चीज़ों को पाउडर बना लें, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिला लें अपने किचन में से। इसका पाउडर बना के बच्चे को सुबह शाम निहार में, रात को सोते वक्त गर्म पानी से दिया करें, खट्टी चीज़ें बंद करा दें, तो बहुत जल्दी फायदा मुमकिन है। लेकिन बहुत जल्दी में भी 5-6 महीने लग सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। कमलेश जी स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, हकीम नमस्कार, साहब को भी नमस्ते। आदाब, जय हिंद। हाँ जी, मुझे ना आपसे बात करनी, मैं ना घुटनों में बहुत दर्द है सर, 15-16 साल हो गए, मैं घर में भी नहीं चल पाती, आपकी उम्र इतनी कितनी है? थकान हो जाती। मेरी 57। ठीक है जी। अच्छा और कमलेश सूजन जी, भी है घुटनों पे थोड़ा। जी, कमलेश जी मैं समझ गया। अच्छा देखिए, शायद आप हमसे बहुत बाद में जुड़ी हैं। मैंने प्रोग्राम तो देखा आपका कई बार। हाँ देखिए, हमसे लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, प्रोग्राम आपने 2-3 बार देखा है, तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, देखा करिए प्रोग्राम। और हमारे साथ महिलाएं पुरुष जुड़े हुए जिनके पास नुस्खे लिखे हुए हमारे, और वो काम करते हैं भगवान के हुक्म से। मैं एक गोंद स्याह के बारे में बताता हूँ, शायद आपने सुना हो, एक काला गोंद है जो अब तो वो नकली भी बहुत मिलने लगा, असली ले लीजिए बस, और देखिए 15-16 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, कितनी तकलीफ होती है जो चल भी नहीं पाता है। अच्छा
ये गौन स्याह अब नकली बहुत मिलने लगा, असली ले लीजिए, और आधा ग्राम सिर्फ नाश्ते के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, मतलब मलाई वलाई ना हो उसमें, बगैर चर्बी का दूध आता भी बाज़ार से, या बकरी का दूध से ले लें या गाय के दूध से ले लें, बस एक खुराक नाश्ते के बाद आधा ग्राम बस, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और 5-7 दिन सब्र करना है। और ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो देखिए ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। क्या क्या आपने किया होगा, आप ये 100 ग्राम असली हासिल करने की कोशिश करें, और जब आपको फ़ायदा हो तो आपको वादा करना होगा कि आप हमें फ़ोन करके बताएंगे, और आपको फ़ायदा होगा तो तमाम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे। ये ऐसी रॉ मटेरियल है, इसके बदले में ना लोग जो दुकानदार लोग आजकल बेईमान हो गए, वो एलवा देने लगे या कोई और गौन दे देते हैं जो चमकता है, चमकने वाला नहीं, शीशे की तरह नहीं चमके, जो बिल्कुल बदसूरत सा है और चमकता नहीं है, वो असली होता है, कड़वा होता है। बस 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, ML शर्मा जी हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जय हिंद हकीम साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागतम। सर मेरे 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो स्किन डिजीज है जो 2 साल से इसको HH डिजीज बताया है, और दूसरा पैर के तलवे में जो है जलन काफी होता है, मतलब यहाँ शिमला में ठंड है तब भी रजाई से बाहर मेरे को पैर रखना पड़ता है। ठीक है, ये जो आपने स्किन की बात की इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें पानी वाले छाले हैं, ये हेली हेली डिजीज है, पानी वाले छाले हैं, वो हाथ पैरों में होते हैं क्या? हैं जी, हाथों में है आपके? नहीं नहीं नहीं, ये लेटरिन वाली जगह पे है। ठीक है ठीक है। और दूसरा मतलब तीसरा कमर दर्द भी है, कमर दर्द भी है और नींद कम आता है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आप रोजाना ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, पैर ऐसे जोड़ लें और घुटने भी ऐसे जोड़ लें, और कम से कम 5 बार बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें, ठीक है, और ये कम से कम 3 महीने करें, अपने पैर खुद छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े, और पैर ऐसे बराबर होने चाहिए, घुटने भी ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए, ये आप आज से शुरू कर दें। अब आपकी दूसरी बीमारियाँ, देखिए जो कमर में दर्द है उसके लिए आपको गौन स्याह लेना है, काला गौन, एक असली गौन अगर आपको मिल गया तो 100 ग्राम भी मिल गया तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये कमर में नसें दबी हुई हैं मेरे अनुभव के हिसाब से, जो पैर तक जा रही है सीधी, तो यहाँ नसें दबी हैं, उससे वो कमर में भी दर्द है, वहाँ जलन होती है। 5-6 महीने इसमें लग सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत ना किया करें, वज़न बिल्कुल ना उठाया करें, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट चाहिए, ठीक है आपके लिए। इसी से आपका कमर दर्द और वो जलन पैरों की ठीक होना मुमकिन है। अब रही बात आपके स्किन प्रॉब्लम, स्किन की वाली प्रॉब्लम, ये उससे भी बुरी प्रॉब्लम है। रोज़ाना 1 चम्मच अलसी, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच अलसी खाएं, उसमें 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला। देखिए नमक जैतून देखने में बिल्कुल नमक जैसा ही लगता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं। 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए 1 चम्मच अलसी के पाउडर के साथ मिला के खा लिया करें। अलसी को थोड़ा सा हल्का सा भून के पाउडर बनाना, ये अगर आपने किया तो देखिए लगेगा तो 5 या 6 महीने, अगर 1 महीने में आपको 10-20% फ़ायदा हो तो नुस्खा छोड़ना नहीं, आप लगातार लेते रहें, भगवान से मदद भी मांगें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, इंदर जी हरियाणा से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं अजीत साहब से बात कर रही हूँ। बात हो रही है इंदर भाई, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार, जय हिंद, स्वागतम। मैं
क्या नाम है आप शायद बोलिए, टीवी मत सुनिए। नमस्कार जी। टीवी मत सुनिए, आप फोन पे बात करिए। सर टीवी मत सुनिए, टीवी सुनेंगे तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है। हेलो जी जी, ऐसे है जी, मैंने आपसे गोंद छिया मंगाया था। गोंद छिया मंगाया था जी। जी जी मंगा लिया। और क्या नाम है, टी फोर टाइगर कैप्सूल। ठीक है। और हाँ, टी फोर टाइगर कैप्सूल। तो मेरे घुटने में दर्द है जी। कितना है, कब से ले रहे हैं? मेरे को 2 महीने हो गए लेते। अच्छा, कितना फायदा है? अभी फर्क तो है, लेकिन कम फर्क है, 20-25% खूब आराम है जी। ठीक है ठीक है, और कोई सवाल? और सो ही नहीं उतरती, सूजन नहीं उतरती। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, या तो टी फोर टाइगर जो आप बता रहे कैप्सूल वो खाइए, या फिर गौंसिया खाइए, एक चीज़ खाइए, दोनों टाइम। ये ख़त्म हो जाए तो फिर वो शुरू करना। अच्छा, मुझे इत्मीनान है कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया और सूजन भी उतरनी चाहिए। आप ये अलसी तो जानते ही होंगे, उसको 200-300 ग्राम ले लें अलसी, और उसको साफ सूफ करना, कंकर भी मिला देते हैं इसमें, और हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। और जब भी चाहे आप गौंसिया खाएं या कैप्सूल खाएं, टी केयर, एक ही बात है, लेकिन एक ही चीज़ खाएं और दो टाइम खाएं। तो एक चम्मच अलसी खा लिया करें उसके साथ, और आपकी ये सूजन भी उतरना मुमकिन है।